सो गाइस अभी हम फिलहाल जा रहे हैं मणिकरण में, और मणिकरण में हम खाना खाने जाएंगे, बाहर से मामाथा वगैरह टेकेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जय रघुनाथ जी की। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, टाइम की कमी है हमारे पास, क्योंकि अगर एक भाई का कल ऑफिस है तो बस उस चक्कर में थोड़ा, ये तो आज फिर रुक जाते कहीं पे, क्या बोला। हम पहुंच गए हैं अभी मणिकरण, और क्या हो मणिकरण जी की, जय रघुनाथ जी की। इस टाइम पे पूरी है पार्वती नदी, इस टाइम जय गो माता। और ये आपको जो धुआं उठता दिख रहा है, यही आपका जो हॉट स्प्रिंग्स है वो, जैसे यहाँ पे सभी को पता होगा। Oh gosh, so दोस्तों ये है रघुनाथ जी का रथ इस जगह पे, और जो अंदर भी जा सकते हैं। गाइस अभी हम थोड़ा यहाँ पे जो प्राचीन श्री राम मंदिर है उसके दर्शन करने जा रहे हैं इस जगह पे। ओह गॉश, मॉर्निंग का टाइम है और 9 बज रहे हैं, 9 नहीं 9:30 बज गए हैं। सो ये है भाई रघुनाथ जी का मंदिर। जाओ सो यहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो मंदिर है इसका प्राचीन इतिहास जो काफी पुराना है यार, और जय हो। तो गाइस ये जो मंदिर है ये है पांडवों के समय का, पांडवों के टाइम का मंदिर है यहाँ पे, और ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुराना है, और इसका जो उल्लेख है आपको जो हमारे महान ग्रंथ वगैरह हैं उसमें सभी में मिलेगा। जो आर्किटेक्चर है वो आप देख ही सकते हो कितना पुराना है यहाँ पे, और इसी के साथ इस जगह पे ये है भाई जो हॉट स्प्रिंग्स है यहाँ पे इस जगह पे वो सारे। जाओ भोलेनाथ जी की जय, हनुमान जी की जय। तो ये है भाई हमारा प्राचीन राम मंदिर। तो यहाँ पे आपको रहने के लिए व्यवस्था भी है, हॉट स्प्रिंग्स भी हैं इस जगह पे, और सही है, काफी ज्यादा सही है, मतलब यार यहाँ पे भी लंगर वगैरह लगता है इस जगह पे। ये है पुरुषों के नहाने के लिए, खतरनाक इस टाइम पे। सो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है भाई की किस तरफ क्या है, धर्मशाला है, मेन गेट, कार्यालय, हनुमान मंदिर, राम मंदिर, लंगर, रामकुंड वगैरह, और यहाँ पे महात्म्य, मतलब यहाँ की हिस्ट्री जो है तीर्थ राजा श्री मणिकरण का महात्म्य ये कुछ।
और एक मंदिर यहाँ पे आगे हो रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं भाई। तो ये है माता भगवती नैना माता का मंदिर, और आगे यहाँ से गुरुद्वारा, तो वहाँ पे जाने के लिए टाइम तो है नहीं भाई, यहाँ से जय हो। और चलते हैं, फिलहाल यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे हम यहाँ पे छोटे से लोकल ढाबा में, तो बने रहे हमारे। सो बरशैनी जो है लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से लगभग, और बहुत ही ज़्यादा सही है यार इस टाइम पे मौसम। मतलब 10 बज गए हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे धूप नहीं आई हुई है अभी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और मौसम पूरा क्लियर है वैसे। ये है भाई इनकी लोकल मार्केट है यहाँ की। सो ये है यहाँ का लोकल ढाबा भाई, यहाँ पे करेंगे हम ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में। दो भाई गायब हैं। सुबह ही हम एक बार फिर पहुंच गए हैं कसोल, और अभी जा रहे हैं हम वापस। वो हो गया काफी कलोल चन्नी तो उड़के तू पार करनी दिखना पैन हाथ का घाट बाहर केटा बड़ा ये तो धूपा लगता। हूं मैं ब्लॉग बना लू। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपना बिजली महादेव के लिए, और यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके राइट साइड में जो मेन मनाली के लिए रास्ता है वहां से निकलेंगे, और फिर आगे हमारी जर्नी जो है आपको पूरी दिखाएंगे रास्ते में किस तरह के नज़ारे आएंगे भाई।